अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है, और 4.3 का जो टॉपिक है हमारा वो देख लें। पहले नंबर पर व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड, व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये स्टूडेंट हमारा तीसरा मेथड है, व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। देखें ये क्वाड, एस के ऊपर पावर क्या है, टू, तभी तो नीचे कौन सा फैक्टर यूज होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और ये हमारा लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है दूसरा क्वाड्रेटिक। हमने लिख देना है व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड, जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे सिर्फ आपने एक दफा ही राइट करना है। नॉन रिपीटेड का मतलब है सिर्फ एक दफा ही राइट करना है, इसे बार बार राइट नहीं करना। तो वो ये पहचान है एस के प्लस फोर, जब आप इसे एक दफा लिख लो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ये मेथड है, ये पहचान आपने जहन में रखनी है। तो इस तरह मैं 500 सवाल करूँ, बाकी 1, 2, 3, 4, 6 इसी तरह ही है। लेकिन इसमें देख लें ये क्वालिटी फैक्टर सेकेंड नंबर पर आना है। अब किस क्वेश्चन में चेंज अरेंज करना, फिर अरेंज कर देना आपने, ठीक है। ये बात जहन में रखनी स्टूडेंट आपने। अब स्टूडेंट इसके लिए आपने, अब मैं इधर से ही रेड करवा देता हूँ, इधर रेड करते हैं। ये सवाल पहले नंबर लिखने, अब नीचे तो ये लीनियर फैक्टर है, क्या लिखना है, ए अवर एस प्लस थ्री, ए अवर एस प्लस थ्री, फिर लिखना प्लस, अब लिखना है बी एस प्लस सी, ए के बाद बी एस प्लस सी, और नीचे लिखना है क्वाड्रेटिक फैक्टर। सुनने एक बार याद रखेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर ये फॉर्म आपने राइट करने हैं, बी एस प्लस सी, मतलब ए एस प्लस बी, इस तरह की फॉर्म राइट करनी है अपनी, ठीक है। तो ये लीनियर फॉर्म होते हैं जो ऊपर आपने राइट करनी होती है। तो आपने पहले लिखना है ए, ये तो लीनियर फैक्टर लिखना है ए ओवर एस प्लस थ्री, फिर लिखना बी एस प्लस सी एस के प्लस फोर, ठीक है। जिस फ्रेंड हर क्वेश्चन में इस तरह ही होना चाहिए, जो मैंने जितने क्वेश्चन लेंगे इस तरह ही आपने कर देंगे। अब इसके बाद इस फॉर्म को जेन में रखना बी एस प्लस सी को, अब फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं मल्टीप्लाई, और इस सभी सारे क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, 800 है, सारे सारे प्रॉपर हैं, इसमें कोई भी इम्प्रॉपर नहीं है, सारे ही प्रॉपर हैं। तो आपने प्रॉपर तो मैंने कहा इसका प्रॉपर होना जरूरी है। मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस थ्री एस के प्लस फोर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब इसके साथ सुनो मल्टीप्लाई कर दो एस प्लस थ्री एस के प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री एस प्लस सेवन एस प्लस थ्री एस के प्लस फोर इज इक्वल, फिर दोबारा एस प्लस थ्री एस के प्लस फोर मल्टीप्लाई ए ओवर एस प्लस थ्री, फिर दोबारा स्टूडेंट एस प्लस थ्री एस के प्लस फोर मल्टीप्लाई बी एस प्लस सी, नीचे लिखना एस के प्लस फोर, इस तरह से आपने राइट करना। अब फिर इसके साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाना, पीछे बचा थ्री एस प्लस सेवन इसके साथ कैंसिल, ए एस के प्लस फोर आ जाए प्लस, इसके साथ कैंसिल हो जाए, फिर पीछे बचा एस प्लस थ्री एन टू बी एस प्लस सी। अब सो ये सारे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन करना है, तो थ्री एस प्लस सेवन एक को एस से ए एस के लाए, एक को फोर से फोर ए मल्टीप्लाई करना है। अब एस को इन तीनों से एस को बी एस से मल्टीप्लाई किया बी एस के लाए, एस को सी से सी एक्स आ जाएंगे, और थ्री को बी एक्स, अब थ्री को दोनों से करना मल्टीप्लाई थ्री बी एक्स आ जाएंगे, फिर थ्री को सी से थ्री सी आएंगे। इस स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारी आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे क्वेश्चन नंबर। आप सिर्फ पहले नंबर पर आपने आप क्या करना है, पहले नंबर पर आपने एक का आंसर लाना है, किसका आंसर लाना है एक का, आपने इधर लिख लेना, चलो मैं इधर राइट कर देता हूँ टू फाइंड ए, टू फाइंड ए फाइंड करना स्टूडेंट आपने। अब ए फाइंड करने का तरीका जी
के नीचे कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, तो लिखेंगे एस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब सुनिए प्लस है तो इधर आकर माइनस थ्री हो जाना, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, इस तरफ आपको माइनस थ्री हो जाना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू पर, क्वेश्चन नंबर टू में आपने ए फाइंड करना है, ये जो लिख लेंगे पार्ट का शुरू में जीरो मेथड है ये, थ्री एस प्लस सेवन ए फाइंड करना है, तो उसने ए वाला पार्ट लिख लिया दोनों, जहाँ तो ये लिख दो पार्ट या ये लिख दो बस ये आपकी, तो मैं ऊपर वाली लिख देता हूँ ए एस के प्लस फोर एस के प्लस, बस ये सुनिया तो ये पार्ट लिख लें या ये वाला लिख लें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब दोनों शुरू में आंसर एक आना है, अब आपने लिखना थ्री एस किसके इक्वल है माइनस थ्री के प्लस सेवन, एस किसके इक्वल है माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर, थ्री थ्री का माइनस नाइन प्लस सेवन इज इक्वल ए, थ्री का स्क्वायर नाइन का प्लस नाइन फोर, नाइन सेवन का माइनस टू, नाइन फोर एड थर्टीन ए आया इसमें, और थर्टी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये सुनिए आपका एक आंसर आया एक। अब हमें सुनना है ए बी और डी और सी का आंसर, स्टडी एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपने क्वालिटी फैक्टर के ऊपर बी और सी फाइंड किया तो हमेशा वो कंपेयर किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं कंपेयर, तो अब कंपेयर कंपेरिजन हमेशा बड़ी पावर से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन में टू से देखना, बड़ी पावर क्या है टू, आपने लिखना है इक्विटी कोफिशिएंट विद इन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑफ एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट आपने क्वेश्चन में टू पे आना है तो देखना है बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी पावर दोनों तरफ से देखना है, इक्विटी लिखा ना बराबर दोनों तरफ कंपेरिजन, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब एस स्क्वायर बड़ी पावर एस स्क्वायर, अब आपने इनके कोफिशिएंट राइट करने हैं, एस स्क्वायर को खुद नहीं एस स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो राइट करने हैं, अब इस तरह देखिए इधर कोई एस स्क्वायर है नहीं है तो जीरो लिखें, जब नहीं है तो जीरो लिखें, अब एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है जी ए, इसलिए मल्टीप्लाई किया सारा, और इधर एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है जी बी प्लस बी लिखना है, उसके अलावा एस स्क्वायर नहीं है, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट आपने राइट कर देने हैं, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है जीरो, अब ए ए का आंसर क्या है माइनस टू थ्री, अब ए के नीचे इसकी वैल्यू पुट करो माइनस टू ओवर थ्री प्लस बी थर्टीन, सॉरी अब ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाए टू ओवर थर्टीन इज इक्वल टू बी, इस तरह हमारा आएगा बी का आंसर, क्या आएगा बी का आंसर। अब हमें करना सी का आंसर, वो भी इसी तरह है लेकिन अब रही एस स्क्वायर के बाद आता है एक्स वन, आपने लिखना है इक्विटिंग कोफिशिएंट, इक्विटिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, अब सेट ऑफ एक्स लिख लें एस, अब इधर से आते हैं ये दोनों तरफ देना क्वेश्चन दो से एस के साथ, अब इधर है एस इस तरफ एक्स है हमारे पास, एस के साथ कोफिशिएंट क्या है जी थ्री, और थ्री राइट कर दें, अब ये नहीं ये है, अब इधर एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है जी प्लस सी प्लस, और इधर एस के साथ कोफिशिएंट क्या है जी ये एक्स, एस के साथ कोफिशिएंट है प्लस थ्री बी प्लस थ्री बी, तो इस तरह आप जो एस के साथ कोफिशिएंट और नंबर आए हमारा धन इधर एस के साथ थ्री है और इधर एस के साथ सी है और इधर एस के साथ थ्री बी है, अब आगे वैल्यू करनी है थ्री सी प्लस थ्री बी इसके बुलाए टू ओवर थर्टीन, टू ओवर थर्टीन लिखें आप थ्री सी और थ्री टू इधर सिक्स ओवर थर्टीन आ जाए, अब थ्री ओवर वन ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाना स्टूडेंट सी, वन और थर्टी का आंसर भी थर्टी नाइन है और सी वन थर्टी थर्टी थ्री ना थर्टी नाइन ही तो होना चाहिए, थर्टीन थर्टीन से कट हो जाना पीछे बचे सिक्स, और फिर थर्टी नाइन में सिक्स उनका आ गया थर्टी थ्री आ जाना और थर्टीन इज इक्वल टू सी, ये सी का आंसर है सर हमारे पास, इस तरह से हमने तीनों आंसर निकाले ए बी और सी का। अब स्टूडेंट आपने ए बी सी का आंसर दे रहे अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, अब देखने तीनों का आंसर अवर मिला है, ये अवर वाला आंसर ध्यान से देखने किस तरह पुट करना आपने, अब मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर वन, ये जो क्वेश्चन नंबर वन मैंने स्टार्ट करा था उसमें ये वैल्यू पुट करनी जिस तरह हम लास्ट वाली जो एक्सरसाइज में वैल्यू पुट की थी, ये एज इट वैसे राइट कर थ्री एस प्लस सेवन एस प्लस थ्री एस के प्लस फोर
पहले नंबर पे लिखा है ए, ए हमारे पास है माइनस टू ओवर थर्टीन, ये आंसर है। ए के ऊपर लिखा माइनस टू ओवर थर्टीन ओवर एस प्लस थ्री प्लस बी, बी का आंसर है टू ओवर थर्टीन, टू ओवर थर्टीन एक्स सात एक्स लिखी प्लस सी, सी का आंसर है थर्टीन थ्री ओवर थर्टीन, थर्टी थ्री ओवर थर्टीन और नीचे लिखने एस स्क्वायर प्लस फोर। पहले तो आपने सर राइट करने का ए के ऊपर लिख देना माइनस टू थर्टीन और नीचे एस प्लस थ्री, फिर बी बी टू ओवर थर्टीन सात एक्स लिखे प्लस सी थर्टी थ्री ओवर थर्टीन है। अब सुनिए प्लस इधर आंसर आ जाएगा, देखना कैसा करना आपने, थ्री एस प्लस थ्री एस प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस फोर। अब सुनिए क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर के साथ ऐड करें, ऊपर लिखा माइनस टू और ये थर्टीन नीचे लिखने और साथ लिखने एस प्लस थ्री, एस प्लस थ्री इस तरह प्लस करना है, माइनस टू ऊपर जानते हैं थर्टीन नीचे नहीं है और डिनोमिनेटर थर्टी टू है तो टू ऊपर है और ये डिनोमिनेटर को साथ ही डिनोमिनेटर के साथ लिखते हैं थर्टीन प्लस। अब इधर ये काम करना है, ये जो थर्टीन दो दफ़े है ना, कितने दफ़ा जी दो दफ़े, से एक दफ़ा कामन लिखने हैं आप नीचे लिख रहे कामन थर्टीन दो दफ़ा एक दफ़ा लिखें एस के प्लस फोर और ऊपर क्या बचा टू एक्स प्लस थर्टी थ्री, टू एक्स प्लस थर्टी थ्री, ये स्टूडेंट आपका आंसर आया, ये बिल्कुल आसान तरीका है इसे। इसके अलावा ये सोल्यूशन करके भी ये आंसर आ जाता है, आप इस तरीके से मेथड को फॉलो करो, टू लिखें और थर्टीन नीचे लिखें इस तरह, टू एक्स प्लस थ्री ऊपर लिखने और ये डिनोमिनेटर से नीचे डिनोमिनेटर के साथ राइट करने, आप ये दो दफ़े तो से आपने एक दफ़ा ही राइट करने, ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन। बाकी इसके साथ में एक क्वेश्चन लिखे तो वो आपने खुद ही करनी है, उनमें भी अगर मैं आंसर आया तो इस तरह ही पुट करना है और प्लस माइनस का ध्यान भी रखना है। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट करना है। अब उनकी मैं फॉर्म मैंने आपके स्टार्ट में एक दो स्टेप समझाना, बाकी पार्ट आपने मुझसे ही करना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव करवाया, इनके मेथड चेंज नहीं होते। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर टू मैंने रेड किया, अब देखा जाए तो पहले नंबर ऑफ क्वालिटी फैक्टर है, जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था ये वाला फैक्टर इधर था और ये इधर थी लीनियर फैक्टर में, लेकिन इस तरह सीधा सीधा हो सकता है सोल्यूशन, लेकिन आप एक मेथड को ही फॉलो करो जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फाइव समझाया है। तो उसके लिए आपने पता क्या करना, पहले आपने इसका अरेंज कर देना, पहले लिखें थ्री एस प्लस सेवन एस प्लस थ्री पहले लिखने और एस के प्लस वन बाद में लिखें, मीन के क्वाड्रेटिक फैक्टर सेकंड नंबर पे लिखें, एक मेथड को ही फॉलो करें आप, और साथ में नीचे ऐड कर दें थ्री एस प्लस सेवन एस प्लस थ्री और एस के प्लस वन लेट करें और इधर लिखें ए ओवर एस प्लस थ्री प्लस बी एस प्लस सी, ये मैंने पीछे भी समझाया एस के प्लस वन, फिर बाकी उस तरह जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव करवाया। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट में दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेवन है, अब स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला यूज हो रहा है, ये देखिए वन अवर, अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला एस क्यू प्लस वाई क्यू, ये कौन सा फार्मूला एस प्लस वाई एस स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हो रहा है स्टूडेंट इसमें। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है पहले एस क्यू सॉरी एस का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब, वन को पढ़ते हैं अगर हम फार्मूला ओपन कर दें एस प्लस वन, अब वाई कैसे प्रेजेंट करा वन को इधर एस प्लस वन, फिर लिखा ए एस के एस के प्लस ए एक्स लिखा और फिर वन लिखा, उसके बाद लिखने वन का स्क्वायर, इस फार्मूले को फॉलो कर लो स्टूडेंट ठीक है। अब इसी तरह वन एस प्लस वन एस स्क्वायर, एस को वन से मल्टीप्लाई किया एक्स वन का स्क्वायर वन होता है, अब स्टूडेंट उसी तरह आपने लेट करते हैं जिस तरह पीछे आपने मैंने लेट करवाया आपको, आपने तो लेट करना है जी, पहले हम लोग लिखना वन एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब देखने की क्वालिटी फैक्टर है स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने लिखना ए ओवर एस प्लस वन और बी एस प्लस सी और नीचे लिखना है एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इससे थोड़ा आप डिराइव करते हैं बाद में फिर वही है आप लिख रहे हैं मल्टीप्लाई उस तरह मेथड करना ए और बी और सी का आंसर निकालना, ये भी स्टूडेंट सेम टू सेम यही है काम, लेकिन फिर मैं आपको करवा देता हूँ, इसके प्लस वन एस का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब है, अब आपने एस के प्लस वन फार्मूला ओपन करना है एस प्लस वन
साधन में स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वन प्लस वन का स्क्वायर है। आज फ्रेंड आपने लिखना है स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद आपने सॉरी यहाँ पर मिस्टेक भी, यहाँ पर माइनस का साइन आना था, इधर भी माइनस का साइन आना है और इधर भी माइनस का साइन आना है, उन्हें इधर फॉर में माइनस है ना, तो माइनस लिखा एस प्लस वन माइनस लिखना, ठीक है। अब आपने लिखना है एस को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वन का स्क्वायर वन है, बाद में इसी तरह लेट करना आपने और आपकी क्वेश्चन हल हो जाएगी। इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 4/3 कम्प्लीट की, जिसके अब इसमें इन आर्ट्स वालों का भी इम्प्रॉपर वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे ही प्रॉपर हैं। जो क्वेश्चन थे चेंज मैंने वो आपको लास्ट में समझाया।